नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बहुत छोटी सी चीज़ की जो हम और आप हमेशा यूज़ करते हैं, हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद आपने कभी उसके कार्य करने के ढंग पे ध्यान दिया। बात करते हैं दोस्तों रबर की। ये रबर पेंसिल का लिखा मिटाने में, हम उसी रबर की बात कर रहे हैं दोस्तों जो पेंसिल का लिखा मिटाती है। यहां पर आज के एपिसोड में तो ये पेंसिल का लिखा मिटाने में ये रबर कैसे इस्तेमाल की जाती है और कैसे मिटा देती है। तो दोस्तों आइए पहले इसके पहले लिखने की चीज समझे। पेंसिल लिखती कैसे है? पेंसिल को कहा जाता है, पेंसिल में आमने आपने अक्सर सुना होगा पेंसिल में लेड डाला जाए तो फिर वो लिखती। लेड अलग से भी आते हैं पेंसिल के, पर वो लेड नहीं होता। वो जो होता है पेंसिल में वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप है। कागज पे जब ये लिखती है तो कागज के रेशों पे घर्षण की वजह से थोड़ा थोड़ा ग्रेफाइट छूटता जाता है और पेंसिल का वहाँ लिखा दिखने लगता है। वो उस घर्षण की वजह से लिखा हुआ दिखने लगता है, ग्रेफाइट यानी ये ग्रेफाइट का निशान है, ऐसे समझिए दोस्तों। इसी घर्षण के आधार पर, जिस घर्षण के आधार पर पेंसिल लिखती है, उसी घर्षण के आधार पे हमारी रबर मिटाती है। मैं रबर कह रहा हूं, आप शायद कहेंगे नहीं ये रबर नहीं, ये तो रबड़ होता है, रबड़ नहीं होता है। दोस्तों दरअसल इसका मूल नाम रबड़ एक पदार्थ है और रबर हिंदी उसका नाम रबड़ दिया है हमने, पर उसका नाम रबर, मूल नाम रबर कैसे पढ़ा ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ मैं आपको चलिए रबड़ कहते हैं ताकि आपको ये न लगे कि हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। रबड़ मिटाती कैसे है दोस्तों? उस कागज पे लिखे हुए पे जब आप रबड़ को रगड़ते हैं, जो रबड़ की बनी हुई थी, रबड़ में मुख्य रूप से गंधक होता है और खाद्य तेल मिला दिया जाता है उसको थोड़ा, ताकि इसको मुलायम बनाया जाए। इन दो चीज़ों को मिला के और कुछ थोड़े बहुत और रसायन मिला के, ये मुख्य दो चीजें होती हैं, आपकी रबड़ बना दी जाती है। रबड़ का आविष्कार भी हुआ संयोग से था। बहुत सारे ऐसे आविष्कार हमने आपको बताए, जो हमने आपको बताया कि एक्सीडेंटली दुर्घटनावश संयोगवश हो गए, रबड़ का आविष्कार भी उनमें से एक है, वो हम बताएंगे आपको। क्या उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि रबड़ कैसे काम करती है। वो घर्षण पेंसिल का लिखा हुआ है, कागजों के बीच में ग्रेफाइट फंसा हुआ है, ऐसे समझिए। रबड़ क्या करती है, रबड़ से जब आप इसे मिटाते हैं दोस्तों, रबड़ इस पे घिसते हैं, रबड़ के छोटे छोटे कण छूट कर इसको अपने साथ, जैसे आपने इस पे रबड़ रगड़ी तो उस ग्रेफाइट के ऊपर वो छोटा सा रबड़ का टुकड़ा जो एक ट्यूब रूप में, एक सिलेंडर के रूप में, उसके ऊपर अपने साथ ग्रेफाइट को लपेट के वहां से हटा देता है कागज से। और जब आप रगड़ते हैं तो इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, गर्मी। वो गर्मी उस रबड़ की मदद करती है ज़्यादा ग्रेफाइट को अपनी ओर आकर्षित करने में, और थोड़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट भी, कोमल भी हो जाती है रबड़ का वो हिस्सा जो टूटता है उस गर्मी की वजह से। और जब कोमल हो जाता है तो जैसे समझिए आटे से चिपकाते हैं ना, आटा किसी चीज़ से भी चिपका के आप कुछ उठाना चाहें अगर वो चीज़ से तो चिपक जाएगी। तो अब ये कल्पना अगर आप करें तो वैसे ही इनको बड़ा बड़ा करके देखा गया, इनको 200 गुना जब बढ़ा के देखा गया तो ऐसे टुकड़े दिखे, ग्रेफाइट में लिपटे हुए रबड़ के टुकड़े दिखाई पड़े दोस्तों। ग्रेफाइट में लिपटे हुए रबड़ के टुकड़े इतने बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी में दिखाई पड़े, जिसमें क्या करते हैं फिर वही देखिए, बड़े रूप में दिखाता हूँ आपको। ये रबड़ आपने चलाई, रबड़ आपने यूं घिसी, ये रोल होता हुआ लुढ़कता हुआ अपने साथ ग्रेफाइट को लेता हुआ यहाँ पे टूट गया, फिर दूसरा रोल होता हुआ आगे गया, ये इसको लेके टूट गया। इसीलिए वो बाद में आप जो साफ करते हैं वो यही टुकड़े रबड़ के होते हैं जिन्हें आप साफ करते हैं। मगर रबड़ सही मायने में इस काम के लिए नहीं बनी थी। रबड़ तो और चीजों के लिए बनी थी, जो आपके कारखानों वगैरह और व्यावसायिक रूप से काम में आने के लिए या दैनिक जीवन में और तरीके काम में आने के लिए, रबड़ मिटाने के लिए नहीं बनी थी। तब तक कम से कम इसका इस्तेमाल नहीं होता था मिटाने के रूप में पेंसिल से लेके। तो कब तक नहीं होता था? 1770 तक। तो 1770 तक लोग पेंसिल का लिखा मिटाते कैसे थे दोस्तों? इसे पहचानिए, ये क्या है?
बताऊंगा नहीं मैं, आप पहचानिए। हाँ सही पहचाना आपने, ये है ब्रेड, हिंदी में कहते हैं डबल रोटी, पर मैं यहाँ ब्रेड लिखूंगा। ब्रेड को इस्तेमाल करते थे लोग पेंसिल का लिखा मिटाने में। एक अंग्रेज इंजीनियर थे जिनका नाम था एडवर्ड नाइमा, ये भी उससे ही मिटाते थे ब्रेड से। एक बार ब्रेड के पास ही कहीं रबड़ का टुकड़ा रखा हुआ था किसी और काम के लिए, इन्होंने गलती से ब्रेड की जगह उसे उठा लिया और मिटाया। मिटाया इन्होंने तो दिखा रहे, ब्रेड से तो मिटता है घंटों में, और ब्रेड से तो उसकी सफाई से मिटता भी नहीं इतना, इस रबड़ से मिट गया। इन्होंने रबड़ से मिटाना शुरू कर दिया, और वो आविष्कार। आज हम आपसे पेंसिल का लिखा मिटाने की बात करेंगे, तो आपके मन में शायद ही रबर के अलावा, जिसे रबड़ कहूंगा मैं, और कुछ है। तो ये भी एक दुर्घटनावश, संयोगवश हुआ आविष्कार था, एक खोज थी जो दुर्घटनावश हो गई थी, लेकिन आज देखिए कितनी काम आ रही है। और इसके पीछे का विज्ञान वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसके पीछे का रोचक तथ्य वो भी देखिए हमने आपको बता दिया। हमें चल जिज्ञासा को देखते रहिए, ऐसे बहुत सारे तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे, नमस्कार।